जय श्री कृष्ण। गीता जैसे अद्भुत ग्रंथ का प्राकट्य तभी हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो हमें अपने आप को स्वाधीन करना पड़ता है, और स्वाधीन करना हो तो विनम्र होना पड़ता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान की प्राप्ति यदि करनी हो तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में कई श्लोक आते हैं, जिसमें से पहला श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम का मतलब होता है कि मेरे अंदर का मान, मेरा अभिमान सारा समाप्त हो जाए। अदम्भित्वम का मतलब होता है कि मेरे अंदर का दंभ पूरा नष्ट हो जाए, मैं विनम्र हो जाऊं। अहिंसा, मेरे कारण किसी को भी तकलीफ ना हो, मेरे मन वचन और काया से मैं अहिंसक बन जाऊं। शांति मेरे अंदर बसी रहे और मेरा स्वभाव आर्जव का हो, मेरे स्वभाव में मिठास हो। आचार्योपासनम शौचम, मैं मेरे आचार्य के पास बड़ी स्वच्छता के साथ में, अंतर्बाह्य निर्मलता के साथ में उनके सम्मुख बैठूं। स्थैर्यमात्म विनिग्रह, स्थिरता के साथ में बैठूं और निग्रह के साथ में बैठूं, मेरा इंद्रिय निग्रह हो। इतनी सारी बातें जब घट जाएगी तब आचार्य के मुख से जो बातें निकलेगी वो हमारे मन में जाएगी। एक आदमी था, बड़ा अमीर था, और उसने सोचा कि चलो जाते हैं उस जैन गुरु से मिलते हैं जिसकी बड़ी ख्याति है, जिसके मुख से निकलने वाले वचन कुछ बहुत अच्छी सीख दे जाते हैं, और ऐसी सीख कि जो आपको और अमीर बना देती है और प्रगति की ओर ले जाती है। वो आदमी उस जैन गुरु से मिलने गया, जैन गुरु के जाके सामने जब वो बैठा, जैन गुरु ने कहा कि बैठ जाइए, थोड़ा इंतजार करना होगा। तब इस धनिक आदमी ने कहा कि क्षमा करें, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इंतजार करूं, आपको जो भी कहना है जल्दी में कहिए ताकि मैं आपके वचनों द्वारा अपने आप को और समृद्ध बना सकूं। जैन गुरु ने कहा कि नहीं, पहले आपको मेरे यहां चाय लेनी होगी, जब मैं आपको चाय पिलाऊंगा उसके पश्चात ही मैं कुछ बात आपको कहूंगा, और आपको ऐसी बात कहूंगा कि आप और समृद्ध हो जाएंगे। इस धनिक आदमी को कोई चारा नहीं रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी अस्वस्थता नजर आ रही थी कि उसको जल्दी थी, उसको जल्दी जाना था। जैसे ही चाय आई, उस जैन गुरु ने उस कप में चाय किटली से उंडेलना आरंभ किया। जब कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी तो इस धनिक व्यक्ति ने कहा कि अरे रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप, चाय तो बाहर गिरी जा रही है, चाय खराब हो जाएगी। जैन गुरु ने कहा यही तो बात मैं भी कहना चाहता हूं, आप शांति से बैठिए। उसने कहा इस चाय के बाहर निकलने से और मेरी शांति से एक दूसरे का क्या संबंध। जैन गुरु ने कहा कि बहुत गहरा संबंध है, और वो संबंध ऐसा है कि आपके मन में अभी इतनी बातें चल रही है कि मैं यदि और कोई नई बात कह दूं तो आपके मन में समाविष्ट होने का कोई संभावना ही नहीं। आपको शांत बैठना होगा, शांत होना होगा, कुछ जगह बनानी होगी, जब खालीपन आ जाएगा तब मैं कुछ बात कहूं तो वो बात आपके मन में जाएगी। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह, आप तो अस्थिर बैठे हैं, और अस्थिरता के साथ में कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। यदि ज्ञान पाना हो तो आपको स्थिर बैठना आवश्यक है, शांति से बैठना आवश्यक है। जब भी आप आपके मार्गदर्शक के पास जाते हैं तो कुछ समय लेकर के जाइएगा, जब गुरु के सम्मुख बैठते हैं तब अपने अहंकार को बाजू में रखिएगा, तभी जाके गुरु की बात, आपके मार्गदर्शक की बात आपके हृदय में जाएगी, आपके मन में जाएगी। पहले कुछ अपने आप को खाली करना होगा, आपके मन का ये खालीपन ही आपको समृद्ध बनाता है, नई चीजें आत्मसात करने के लिए आपको तैयार करता है। लेकिन उस समय
आप अहंकार से मुक्त हो जाए यह सबसे आवश्यक होता है। यदि आप अपनी श्रेष्ठता का, आप अपनी धनिकता का, आप अपने ज्ञान का अहंकार लेकर के जाएंगे, आपके बड़प्पन का दंभ लेकर के जाएंगे, तो यह बात आपके हृदय में कभी नहीं जा सकती। और अच्छा मार्गदर्शक और उसकी अच्छी बातें हम इस प्रकार स्वीकार करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें ज्ञान की प्राप्ति का सहज मार्ग दिखाता है। आइए इस मार्ग पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और विजयी होते हैं। जय श्री कृष्ण।